किसान मोर्चा ना सिद्धपुर जूथ साथ केन्द्रीय मंत्री मीटिंग नो चौथो राउंड आज योजा जैसे तमाम पाक और अन्य मांगणी पर एमएसपी पर दिल्ली कूचनो आह्वान कर्यु। रविवार सांजे 6 वागे चंडीगढ़ में बैठक योजाशे। बीजी बाजु बैठक एक दिवस पहला सिद्धपुर जूथना प्रमुख जगजीत सिंह दल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति महासचिव सरवन सिंह पटेरे शनिवार हरियाणा पंजाब की शंभू बॉर्डर पर पत्रकार परिषद करी अने कहुं के जो मड़ागांट खत्म थई जशे तो केन्द्र सरकार एमएसपी पर वटहुकम लावी शके छे। वटहुकम माटेनो समय 6 महीनानो छे। आपणे जणावी दईए के आ पहेला केन्द्रीय मंत्रीओ साथे खेडूतोनी 3 बैठकों सारा माहौल में योजाई थी परंतु कोई उकेल आव्यो नहोतो। हवे रविवारनी आ बैठक में चोक्कस उकेल आवशे तेवी अपेक्षा छे। दल्लेवाल अने पटेरे कहुं के अमने कहेवामां आवी रह्युं छे के ते लोकसभा चूंटणी नजीक छे तेथी तमारा द्वारा करवामां आवेली मांगणीओ पूरी थई शके नहीं। आ बाबत अन्याय छे। जो सरकार आ मामलाने उकेलो मांगती होय तो तेमणे तात्कालिक वटहुकम लावो जोईए। मामलो त्यारे ज आगळ वधी शके छे ज्यारे वटहुकममां एम कहेवामां आवे के अमे एमएसपी पर कायदो बनावीशुं। बीजी मांग खेडूत मजूरोना देवाने दूर करवानी छे। आ तमाम सरकारी बैंकोनी छे। जो सरकार इच्छे तो 2 दिवसमां समग्र रिपोर्ट तेना टेबल पर आवी जशे। ते राजकीय इच्छाशक्तिनो प्रश्न छे। एवुं कहेवामां आवी रह्युं छे कि एमएसपी मोंઘવારી વધારશે અને અમે ઘઉં અને ડાંગર પર એમએસપી મેળવી રહ્યા છીએ તે મોંઘવારી સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે। મોરચામાં કેટલાક ખાલિસ્તાની સમર્થકોના નિવેદનોના વિડીયો સર્ક્યુલેશનમાંના પ્રશ્ન પર દલ્લેવાલે કહ્યું કે સરકાર પાસે એક વિશાળ મિકેનિઝમ છે તે દરેક સ્થાન પર દરેક પ્રકારના અને રૂપના લોકોને બનાવવામાં સક્ષમ છે। ગયા વખતે પણ ખોટા સંગઠનો એકઠા કર્યા બાદ સરકારે કહ્યું હતું કે 100થી વધુ યુનિયન અમારી પાસે આવ્યા છે જેમણે ખેતી કાયદો લાગુ કરવાનું કહ્યું છે। અમે દિલ્હી જવા નથી ઈચ્છતા। અમે સરકારે આપેલા વચનો પૂરા કરવા કરે એવું ઈચ્છીએ છીએ। અમે અહીંથી પાછા જઈશું। શંભુ બોર્ડર પર 5-5 દિવસે પણ યુવાનો દ્વારા ચક્કાજામ ચાલુ રહ્યો હતો। તેઓ વારંવાર હરિયાણા બોર્ડર તરફ જતા અને સૂત્રોચ્ચાર કરતા જોવા મળ્યા હતા। જ્યારે કેટલાક યુવાનોએ પથ્થરમારો શરૂ કર્યો ત્યારે હરિયાણા પોલીસે ટીયર ગેસના શેલ છોડ્યા અને તેમનો પીછો કર્યો। દેખાવકારોને વિખેરવા માટે પોલીસે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન લગભગ 3 વખત ટીયર ગેસના શેલ છોડવા પડ્યા હતા। જો કે સંગરૂરના ખનૌરી અને ભટિંડા જિલ્લાના ડબવાલીમાં વાતાવરણ શાંત રહ્યું હતું। સંયુક્ત કિસાન મોરચાના દલ્લેવાલ જૂથના દિલ્હી કૂચના આહવાનને કારણે અને અન્ય સંગઠનો કે જેમણે અત્યાર સુધી શંભુ સરહદ પર મોરચાથી અંતર રાખ્યું હતું તે પણ સક્રિય થવા લાગ્યા છે। જેના કારણે હવે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે કે શું તે ખેડૂત સંગઠનોમાં ક્રેડિટ લેવાની ઈચ્છા છે કે પછી તેમની કેડર ગુમાવવાનો ડર છે। આપણે જણાવી દઈએ કે જે રીતે કેન્દ્ર સરકારે ખેડૂતોની માંગણીઓ ઉકેલવા માટે બેઠકોની સંખ્યા વધારી છે, ખેડૂતોના દિલ્હી કૂચ કરવાના નિર્ણયથી દૂર રહેલા યુનિયનોને લાગી રહ્યું છે કે જો કેન્દ્ર સરકાર તેમની માંગણીઓ સ્વીકારે ખેડૂતો પછી તમામ ક્રેડિટ તેમને આપવામાં આવશે। સરકાર ઓર કિસાન સંગઠનો કે બીચ બહોત હી અચ્છે માહોલ મે સકારાત્મક ચર્ચા હુઈ હૈ। ચર્ચા કો હમને કરતે હુએ અગલી તિથિ રવિવાર કો શામ 6 બજે કે લીએ ફિર સે આગે કી ચર્ચા કો જારી રખેંગે। किसान लगातार दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हैं और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जो 2020 में जहां किसान लंबे समय तक रहे थे। देखिए आपको गाजीपुर बॉर्डर की सिचुएशन दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ तैनात है। कटीलीदार ये जो तारे हैं वो दिल्ली पुलिस प्रशासन ने लगा रखी हैं और आप देख सकते हैं कि जो स्पीकर आपको पीछे अगर तस्वीरों में दिख पाए स्पीकर यहाँ मौजूद है ताकि अगर यूपी से कोई भी किसान आता है तो उनको आदेश दिया जाए, उनको बताया जाए। और आप देख सकते हैं ये जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं इनका वजन कम से कम 200 किलो से ज्यादा होगा, ये यहाँ मौजूद है। और देखिए तमाम तरह के सीमेंटेड बैरिकेड यहाँ मौजूद है और देखिए इस तरीके से यूपी के किसानों के स्वागत में दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि यूपी के किसानों की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है आने की, लेकिन 18 फरवरी को जो अहम बैठक है उसमें अगर एमएसपी को लेकर सहमति नहीं बनती तब जो है किसान और उग्र हो सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो क्रेन है वो आपको यहाँ मौजूद दिखेगी। देखिए इस क्रेन का इस्तेमाल ट्रैक्टर्स को टो करने के लिए होता है जब अगर यूपी के किसान ट्रैक्टर्स के जरिए इस गाजीपुर बॉर्डर पर आते हैं। और देखिए ये मेरठ एक्सप्रेस
हाईवे है, ये वही हाईवे है जो यूपी को दिल्ली की तरफ से कनेक्ट करता है, मेरठ को दिल्ली की तरफ से कनेक्ट करता है, और यहाँ की आवाजाही आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ तमाम जो वाहन है वो यहाँ से आते जाते रहते हैं, क्योंकि देखिए लोगों का ये अपनी जॉब पे जाने का टाइम है, स्कूल यूनिवर्सिटीज जाने का टाइम है। और आपको ये जो एमसीडी के वाहन तस्वीरों में दिख रहे हैं, इनको असल में लक्ष्मण रेखा की तरह यूज किया जाता है। अगर यूपी से किसान आते हैं तो इनको एक लाइन में लगा के जो है सड़क पे खड़ा कर दिया जाएगा, ताकि किसान आगे की तरफ ना आ पाए। और आपको ये जो टैंकर यहाँ मौजूद दिख रहा है, इस टैंकर को भी बैरिकेड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि देखिए ये वही टैंकर है, अगर किसान पैदल यहाँ से आते हैं तो इस टैंकर को बीच में रखा जाएगा, ताकि किसान यहाँ से ऊपर ना पास कर पाए। और देखिए तमाम आपको तस्वीरें जो है दिल्ली पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी आपको इस समय दिखेगी। हालांकि किसान प्रदर्शन का ये पांचवा दिन है, और उसके बाद यहाँ यूपी के से जो गाजीपुर की तरफ जिन किसानों को आना था उनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान आया था कि देखिए अगर किसानों को जरूरत पड़ी तो दिल्ली दूर नहीं। उसके बाद आप तैयारियां देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और ट्रैफिक का हाल मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए ट्रैफिक जो है वो सामान्य चल रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है, आपको दिल्ली पुलिस प्रशासन के जवान वहां दिखेंगे मुस्तैद। दिल्ली पुलिस ने आधी से ज्यादा रोड पर कब्जा किया हुआ है, ये तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो पूरी तरीके से कर रखे हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सजग है, क्योंकि पिछले किसान आंदोलन से उन्होंने सबक लिया है। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मुस्तैदी हो रखी है। मैं शुभ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।